अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू यूनिट थ्री प्लांट्स। प्लांट्स पौधे। लाइक वुमेन एंड एनिमल्स, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस। यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इंसानों की तरह और इंसानों और जानवरों की तरह पौधे भी जो है वो लिविंग थिंग है, जानदार हैं, और हमें हर जगह अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। पौधे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मुख्तलिफ उनकी शेप्स होती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट प्लांट्स इन डिटेल इन दिस यूनिट। हम आइए हम लोग जो है वो प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो है वो पार्ट्स। फ्लावर्स, अब इसमें देखिए आप, इसमें पिक्चर में आपको फ्लावर है, लीफ है, फ्रूट्स हैं, स्टीम है, ये सब रूट्स हैं। आपको और भी चीज़ों के बारे में डिटेल मिलेगी। फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टीम, दे मेक फ्रूट्स। ये जो है स्टीम में ग्रो होता है और फ्रूट्स बनाता है। लीफ पत्ते, मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स। गिज़ा किसके लिए बनाते हैं? पौधों के लिए। पत्ते। फ्रूट्स हैव सीड्स इन साइड डैम। फ्रूट्स जो है हम इसमें जो भी सीड डालेंगे उसका ही फ्रूट जो है वो इसमें आता है। द स्टीम टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। स्टीम जो है, अगर हम पौधे को पानी देते हैं तो उसको उसकी ये ग़िज़ा होती है, और जिससे ये ग्रीन रहता है, उसको नशोनुमा मिलती है, और प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो और उगते हैं। फ्लावर्स में भी इजाफा होता है और फ्रूट्स में भी। रूट्स ग्रो इन द सॉइल, दे टेक्स अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब रूट्स जो हैं वो कहाँ होते हैं? सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो है वो रूट्स होते हैं। रूट्स हमें नज़र नहीं आते, और वो मिट्टी से ही अपने पानी और अपने मिनरल्स हासिल करते हैं। लीव्स पत्ते, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स। लीव्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइज़, दे मे बी बिग स्मॉल राउंड और लॉन्ग। लीव्स जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के अलग अलग होते हैं। हर एक पौधे का अपना अलग अलग पत्ता होता है। कुछ जो है वो हर लीव शेप और साइज में मुख्तलिफ होता है। हर प्लांट का जो है वो लीव है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ गोल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बनाना ट्रीज लीफ इज़ अ लॉन्ग वेरियस लीफ ऑफ अ नीम ट्री आर स्मॉल। बनाना, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर बनाना का जो ट्री होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है नीम के ट्री से भी। नीम का ट्री जो है वो उसके आगे छोटा होता है। लुक एट द पिक्चर्स, बनाना लीफ देखिए आप, बनाना लीफ कितना बड़ा है। नीम का लीफ छोटा होता है, और वाटर लीफ। लीफ हैव द इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। लीफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जॉब कर रहा होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है प्लांट्स के खाना बनाने के लिए, गिज़ा बनाने के लिए। वी ईट लीफ ऑफ सम प्लांट्स टू, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेनिश एंड लेटस। हम लोग जो है वो कुछ प्लांट्स के लीफ खा भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेनिश और लेटस को हम खा सकते हैं। रूट्स, रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच आर यूजली हाइजेंट अंडर द ग्राउंड। दे हेल्प टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। दे ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट। रूट्स जो हैं वो जड़ें होती हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, और ये हाइडेंट होता है, छुपा हुआ होता है किसमें? मिट्टी के अंदर, अंडर द ग्राउंड। और वो एक जो प्लांट है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है
वो अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है उसकी फूड, उसका उसकी ग़िज़ा, प्लांट की ग़िज़ा जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है। वी ईट द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कैरेट, रेडिश, बीटरूट, ईटीसी। हम लोग जो है कुछ रूट्स खा सकते हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे कैरेट है, रेडिश है, बीटरूट है, कैरेट, रेडिश और बीटरूट, फ्लावर्स, फूल। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट। कुछ जो है प्लांट्स के फ्लावर जो है वो कलरफुल होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स। फ्रूट्स, फ्रूट इज मेड फ्रॉम अ फ्लावर। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच होल्ड्स द सीड्स। दिस मीन्स दैट सम ऑफ प्लांट्स नो एज वेजिटेबल्स आर एक्चुअली फ्रूट। फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो इज अ फ्रूट। फ्रूट जो है वो किससे बनता है, फ्लावर से। और इसकी बहुत सारी फ्लावर्स की, फ्रूट्स की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, बहुत सारी एग्जाम होती हैं, और ये जो है वो प्लांट का एक पार्ट होता है जो सीड्स में होल्ड होता है। दैट मीन्स प्लांट्स जो है वो जो है फ्रूट को मिनरल्स और उसकी फूड जो है वो उसको फराहम कर रहा होता है, उसको दे रहा होता है। और एक्चुअली में जो हम वेजिटेबल्स इनको मानते हैं, मतलब जो हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये वेजिटेबल्स हैं, एक्चुअल आर फ्रूट्स, वो फ्रूट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो इज़ अ फ्रूट। टोमेटो जो है वो एक फ्रूट है। सीड्स, बीज। द सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। सम फ्रूट्स हैव अ फ्यू सीड्स, वेयर एज सम हैव ओनली वन सीड। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। अच्छा, अब प्लांट्स में जो है जब हम फ्रूट जो है वो ग्रो अप करते हैं, जब हम उसमें उगाते हैं, तो लाजमी बात है उसी का हमें सीड डालना पड़ता है, उसी का बीज डालना पड़ता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं उसका एक ही सीड होता है, और कुछ ऐसे होते हैं उनके बहुत सारे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो हैज़ ओनली वन सीड। मैंगो का जो है वो एक ही बीज होता है। प्लम हैज़ ओनली वन सीड, इसका भी एक ही सीड होता है। ऑरेंज हैज़ फ्यू सीड्स। ऑरेंज ही आपने देखा होगा, फ्यू सीड्स होते हैं, बहुत सारे उसमें बहुत सारे भी नहीं होते, लिमिटेड होते हैं उसमें सीड्स। पपाया में इट हैज़ मैनी सीड्स, इनमें जो है वो बहुत सारे सीड्स होते हैं। वाटरमेलन में जो है इट हैज़ मैनी सीड्स। एप्पल हैज़ फ्यू सीड्स, एप्पल में आपने देखा होगा 4 और 5 निकल जाते हैं सीड्स, इनफ। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं किससे, सीड से, बीज से। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अ सीड नीड वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, सनलाइट एंड एयर टू ग्रो। न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स एंड विटामिन्स दैट हेल्प द थिंग्स टू ग्रो। सीड्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। द सीड स्टार्ट्स टू ग्रो roots under the ground with the help of water and nutrient. When the plants breaks through the ground, if it starts getting sunlight, that helps the leaf to grow. Flowers grow when the plant is fully grow. Mostly plants जो है वो grow करते हैं seed से। सीड्स को जो है वो ज़रूरत होती है वाटर की, न्यूट्रिएंट की और सॉइल की और सनलाइट, एयर, उसको बढ़ने के लिए जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं वो विटामिन्स से हेल्प लेते हैं ग्रो करने में। सीड्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, सीड्स जो है वो न्यूट्रिएंट रहता है किससे, सॉइल, मिट्टी से। और जो है अब सीड जो है वो ऐसा ऐसा ग्रो अप होता है कि इन सब चीज़ों के ज़रिए। और दूसरा, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरह जो है वो एक सीड ग्रो अप होता है। सनलाइट मिल रही है उसको, वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स हैं इसके पास,
तो ये सब चीज़ें इसको जब मिल जाती हैं तो ये ग्रो अप जो है वो इजीली हो जाता है। यूजेस ऑफ प्लांट, प्लांट्स के इस्तेमाल। प्लांट्स प्रोड्यूस लीफ एंड फ्लावर विच आर यूज फॉर मैनी थिंग्स। लीफ एंड फ्लावर आर यूज टू मेक मेडिसिन, परफ्यूम, ऑयल ईटीसी। अब प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लीव और फ्लावर को, जिससे बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लीव और फ्लावर से हम ये किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, इससे क्या बनता है, इससे मेडिसिन बन सकता है, परफ्यूम बन सकता है, ऑयल ईटीसी। प्लांट्स गिव अस वुड विच इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, बोर्ड्स, टॉय ईटीसी। अब प्लांट से हमें क्या हासिल होता है, प्लांट से हमें वुड भी हासिल होती है, लकड़ी भी हासिल होती है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, बोर्ड्स हैं, टॉय हैं, ईटीसी और बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस शेड फ्रॉम सनशाइन। अब ये देखिए, प्लांट्स जो है वो हमें प्रोवाइड करता है शेड सनशाइन से, जो है वो हमें बचाता है ये। प्लांट गिव अस कॉटन एंड वी मेक क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन। अब प्लांट्स से जो है वो हमें रुई भी हासिल होती है, जिससे हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। सम एनिमल्स मेक दियर होम इन ट्री। और कुछ जानवर जो है वो अपना घर बनाते हैं ट्री में। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। प्लांट्स से जो है वो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हासिल कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर में भी दिया गया है, दिखाया गया है, देखिए इसमें फ्रूट्स बने हुए हैं, वुड है, एक बच्चा है जो पौधे के जो है, ट्री के जो है वो नीचे बैठा हुआ है। ट्री का वुड दिखाया गया है, जिसमें से एक जो है एनिमल वो दिख रहा होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर, ये यूनिट ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट आप लोग के पास हैंड आउट होगा वीक सिक्स का। आप लोग डेटा, यूनिट नंबर प्लीज़ आप लोग ब्लू पेंसिल से लिखा करें, और क्वेश्चन भी आप ब्लू पेंसिल से वन फिंगर के गैप से उतारा करें। एज़ विजुअल आप लोगों ने पेंसिल से जो है वो आंसर लिखने हैं और ब्लू पेंसिल से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। इसके जो है वो 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट। वीक 7 में आपको ये एक्टिविटी दी गई होगी, लेबल द डायग्राम। आप लोगों ने इस डायग्राम को लेबल आउट करना है। तो ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, अगर इसमें क्लियर नहीं है पिक्चर तो देखें, ये फ्लावर हैं, ठीक, ये फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट आ गया, ये लीफ है, स्टीम, और ये नेक्स्ट आ गया आपका रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने ये लेबल आउट करके बहुत से स्टूडेंट ने नहीं दिया है, सो प्लीज़ काइंडली आप ये इंटरफेस पे डायग्राम ड्रॉ करें या पेस्ट कर लें, कुछ भी फोटोस्टेट करवा लें, और आप उसको लेबल आउट करके भेजें। थैंक यू।